राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास की दूसरी बरसी 5 अगस्त को होगी हनुमान चालीसा पढ़ो प्रतियोगिता। 5 से 18 वर्ष तक के बच्चे एवं बच्चियां प्रतियोगिता में ले सकेंगी भाग। प्रथम, द्वितीय, तृतीय जीतने वाले प्रतियोगी को मिलेंगे नगद पुरस्कार। संकट मोचन हनुमान बालाजी मंदिर गोलपाड़ा के चरण सेवक जगवीर दास तोमर ने बताया कि मंदिर में प्रत्येक मंगलवार को 150 भक्तों के द्वारा सामूहिक असंख्य हनुमान चालीसा के पाठ किए जाते हैं। उसी क्रम में 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया था, उसकी दूसरी बरसी पर मंदिर प्रांगण में 5 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे बच्चियों के द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। उनके उच्चारण, उनकी शुद्धता, उनकी लय, उनकी आवाज की जांच प्रतियोगिता होगी। उसके लिए विजय प्रतियोगियों के लिए पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। प्रथम पुरस्कार 5100 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 2100 रुपये, तृतीय पुरस्कार 1100 रुपये के 3 रहेंगे। प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगी। शाम 4 बजे से पुरस्कार वितरण किया जाएगा। 6 बजे से प्रसादी भोजन की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम का उद्देश्य बालक बालिकाओं में हनुमान जी महाराज के प्रति प्रेम विश्वास बढ़ाना और राम मंदिर निर्माण में कोई बाधा ना आए उसके लिए हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करना है। ज्ञान गुण के सागर प्रभु हनुमान जी महाराज जो कलयुग की सर्वोच्च शक्ति हैं, उनके हनुमान चालीसा छोटे छोटे बच्चे पढ़ें सीखें तो उनका ज्ञानवर्धन होगा, वो विद्यावान बनेंगे। इस उद्देश्य को लेकर इस मंदिर में जो हनुमान चालीसा के पाठ प्रतियोगिता रखी गई है 5 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए, उसका उद्देश्य यही है। दूसरे 5 अगस्त को इस प्रतियोगिता को रखा गया है क्योंकि अयोध्या रामलला के भव्य मंदिर निर्माण की शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने किया था, तो दूसरी बरसी है इसलिए उस दिन हनुमान चालीसा प्रातः 10 बजे से प्रारंभ हो जाएंगे और प्रतियोगिता के रूप में उसमें लय, उसमें शुद्धता, उसमें आनंद, जितने अनुभूति होगी दर्शकों को और उसको पुरस्कार वितरण भी किया जाएगा। तो उस दिन प्रतियोगिता के बाद जो प्रतियोगी विजयी होकर आएंगे उनको प्रथम पुरस्कार 5100 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 2100 रुपये, 3 पुरस्कार 1100-1100 रुपये के हैं। इस तरह उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए कि हमारे बच्चे आगे आएँ। और भारतवर्ष में सख्त आवश्यकता है हनुमान चालीसा के सिद्धांत पर चलने के लिए, हनुमान चालीसा जानने और मानने के लिए। इसी उद्देश्य से यहाँ हर सप्ताह मंगलवार को 150 लोग बैठते हैं रात्रि 8 बजे और प्रेम से, श्रद्धा से, निष्ठा से, आनंद से हनुमान चालीसा के पाठ करते हैं, उसके पश्चात प्रसादी ग्रहण करते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं। जयत्राज बलवान की जय, और कोतवाल कप्तान की जय, और मेहंदी महाराज की जय, और कैला मैया की जय, और सैयद बाबा की जय, और बालाजी महाराज की जय, और मेहंदी महाराज की जय।
और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP Today Network को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।